ओके सो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। सो गाइस आज भी मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था, इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना एंड मेक श्योर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में एक नोटिफिकेशन होता है उसको क्लिक करके बगल में एक ऑल का ऑप्शन होता है उसको भी जरूर से सिलेक्ट कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। तो आप सभी को पता है कि आशीष चंचलानी ने एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे ऑफिस एग्जाम और वैक्सीन वाला वीडियो, तो उस वीडियो ने जो यहाँ पर 30 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिया है वो भी सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर। तो इसी से रिलेटेड आशीष चंचलानी ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला, ऑफिस एग्जाम और वैक्सीन हैज क्रॉस 30 मिलियन व्यूज इन जस्ट 2 वीक्स, थैंक यू सो मच फॉर द लव एवरीवन, दिस इज अवर चैनल रिकॉर्ड। सो यार मेनी कांग्रेचुलेशंस टू आशीष चंचलानी। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि निकल के आ रहा है दोस्तों बॉलीवुड की तरफ से। तो यहाँ पर अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, करण जौहर, अजय देवगन और यहाँ पर 29 ऐसे यहाँ पर प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिसने यहाँ पर दोस्तों जो वो मिल करके जो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में जो यहाँ पर जितने भी टॉप मीडिया हाउसेज है, आप सभी को पता है यहाँ पर रिपब्लिक टीवी से अर्नब गोस्वामी है, उसके बाद यहाँ पर टाइम्स नाउ से भी काफ़ी सारे लोग हैं जिसके ऊपर यहाँ पर जो है वो दोस्तों डिफेमेशन का केस कर दिया है दोस्तों, और यहाँ पर अब दिल्ली का दरवाजा खटखटाया गया है। और इसका रीज़न ये है कि आप सभी को पता है कि बॉलीवुड में अभी क्या चल रहा है, क्या हाल हो रखा है बॉलीवुड में, हर तरफ ड्रग ये वो बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिसको लेकर दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टार के ऊपर जो वो उंगली उठ रही है। तो अब उन्होंने जो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, खैर देखते हैं कि ये जो है दोस्तों कितना सफल साबित होता है। खैर आपका इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों, आप मेरे को ना लिटरली कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि निकल कर रहा है टिकटॉक के बारे में। सो गाइज आप सभी को पता है कि यहाँ पर इंडिया में दोस्तों टिकटॉक को बैन किया गया, और बैन करने के बाद बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑलरेडी बैन करने की बात चल रही है, और अभी दोस्तों 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर भी बैन कर दिया गया। तो एक रिपोर्ट ये निकल के आई है कि इंडिया में बैन करने के बाद टिकटॉक को यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस सहना पड़ा है। इनफैक्ट यहाँ पर इसके जो है वो डाउनलोड्स में और ग्रोथ में 2% का गिरावट आया दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्ट्स ऐसा ये कहती है दोस्तों 2%, जी हाँ। और पिछले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बात करूँ तो 2% जो है वो ये एक बहुत बड़ा दोस्तों अमाउंट है टिकटॉक के लिए, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर रैपिडली टिकटॉक के डाउनलोड्स जो वो बढ़ रहे थे, और जब से इंडिया में बैन हुआ है तो इसका जो है वो दोस्तों बहुत सारे जगह से जो इसको लात मार के बाहर निकालने की बात की जा रही है, और पाकिस्तान से भी इसको बैन कर दिया गया है। सो गाइज आपका इसके ऊपर क्या कहना है कि भाई इंडिया का देखा देखिए भाई सब कॉपी मार रहा है, तो यार क्या आपका ओपिनियन, आप इसका आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। जब टिकटॉक की बात निकल गई है तो यहाँ पर एक टिकटॉक से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। यहाँ पर एक टिकटॉकर थी दोस्तों मैक्सिको की, जिसकी एज सिर्फ 20 साल की थी दोस्तों, और यहाँ पर एक किडनैपिंग का वीडियो शूट करने के दौरान दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है। रीज़न यही होता है दोस्तों जो किडनैपिंग में जो गन यूज़ किया जाता है दोस्तों वीडियो में यूज़ करने के लिए, तो वो जो है वो गलती से एक्सीडेंटली जो यहाँ पर चल जाता है, और उस जो टिकटॉकर का दोस्तों जो वहीं पर मौके पर जो दोस्तों वो ख़त्म हो जाती है, चल बसती है। तो यार इस तरीके का कांड हो रहा है। आप सभी को पता है कि इंडिया में भी कुछ इस तरीके केस देखने को बहुत पहले मिला था दोस्तों, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो ये मैक्सिको से निकल के आ रहा है दोस्तों एक दिल दहला देने वाला दोस्तों एक न्यूज है, जो कि दोस्तों यहां पे किडनैपिंग वीडियो शूट करने के चलते एक जो है वो लड़की की जान चली गई। पता नहीं यार ये क्या 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 हमें आगे देखने को मिलेगा टिकटॉक को लेकर। यार आपका इसके ऊपर क्या कहना है यार, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना। इस तरीके से चलता रहे तो भाई पूरी दुनिया से टिकटॉक को बैन कर देगा। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों एम एस धोनी की तरफ से। आप सभी को पता है कि लास्ट वीक जो है वो KKR से मैच था CSK का, जहाँ पर जो दोस्तों CSK हार जाती है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग जो है वो CSK की टीम से दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और यहाँ पर इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है कि धोनी की जो है वो बेटी रेप थ्रेड्स आने लगते हैं। तो इसको लेकर दोस्तों यहां पर गुजरात का एक 16 साल का लड़का है जो कि 12th का स्टूडेंट है, तो उसको यहां पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि दोस्तों उसने जो वो धोनी की बेटी को रेप थ्रेड दिया था। तो यार आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग कहीं पर किसी के भी फोटो पर, किसी भी सेलिब्रिटी की फोटो पर जाके कमेंट करते हो, यार आप लोग इस गुमराहियत में मत रहना कि आप जो है दोस्तों किसी से छुपे हुए हो, आप पब्लिक फिगर्स के फोटो या किसी चीज के ऊपर भी कमेंट करो तो भाई यार आप सोचो, क्योंकि आपको जो है पुलिस जो बड़ी आसानी से ट्रैक डाउन कर सकती है आपके कमेंट से ही, जी हाँ। तो यार कहीं भी अगर आप कमेंट करो तो यार 10 बार सोच लिया करो तभी कमेंट किया करो। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, आपके इसके ऊपर क्या कहना है आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि निकल कर रहा है पर मिस्टर फैजू की तरफ से। तो आज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को रीपोस्ट किया जहां पर उन्होंने लिखा लिटरली आई वाज इन टीयर्स, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग एडिट, फीलिंग ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। तो बेसिकली जब मैं इस वीडियो पे गया तो मेरे को दिखा कि इस वीडियो में जो यहां पर किसी बंदे ने उसी की कोई फैन गर्ल है, तो उसने जो एडिट करा है यहां पर मिस्टर फैजू का पूरा जर्नी दिखाया, किस तरीके से जो वो ग्रो करे हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, सारा चीज़ A to Z जहां तक अभी तक उनका जर्नी रहा है, सारी चीज़ों को दोस्तों एक वीडियो के फॉर्म में बता दिया गया है। तो खैर आपको अगर देखना है तो मैं लिंक
लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। सो गाइस बस आज के इस वीडियो में मेरे पास यही अपडेट था। मुझे पता है अपडेट बहुत कम है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ किसी न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय।